everyone, welcome back to my channel. So in this video we are having the part 3 of our chapter IR spectroscopy, and we will discuss about the position and intensity of absorption bands and the factors influencing vibrational frequency. So pehle position of absorption band dekh lete hain. Jo bhi hamare paas IR spectrophotometer mein, jo hamare paas recorder mein jo graph aata hai, that is called IR spectrum, and this type of graph is obtained. अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ये बैंड्स बन रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन बैंड्स, राइट. अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो करेगा एक मॉलिक्यूल, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स आएंगे, राइट. सो डिफरेंट बॉन्ड्स की वजह से वेवलेंथ डिफरेंट एब्जॉर्ब होगी, तो एब्जॉर्प्शन बैंड्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे. और इस ग्राफ की खास बात क्या है, इसमें वेवलेंथ से भी ट्रांसमिटेंस को कंपेयर किया जाता है और वेव नंबर से भी ट्रांसमिटेंस के कंपेयर किया जाता है. मीन्स इस ग्राफ में हम काफ़ी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं. अब पोजीशन जो है एब्जॉर्प्शन बैंड की, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड. अब जैसी नेचर होगी बॉन्ड की, उस हिसाब से पोजीशन होगी एब्जॉर्प्शन बैंड की. एंड अगर एक एब्जॉर्प्शन बैंड आ गया एक बॉन्ड का, तो हमें पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में वो बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है. जैसे यहाँ पर इथेनॉल का ये ग्राफ बनाया है, CH3CH2OH, एक सी एच बॉन्ड हो गए तो उनका सी एच स्ट्रेचिंग आ जाएगी और सी एच बेंडिंग भी आ जाएगी. एक ओ एच बॉन्ड हो गए तो उसकी ओ एच स्ट्रेचिंग भी आ जाएगी, ओ एच बेंडिंग भी आ जाएगी. और सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, सी एच टू के साथ ओ एच जुड़ा, मतलब सी के साथ ओ का बॉन्ड बन रहा है, तो जैसे सी ओ स्ट्रेच भी यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा. इससे हमें पता चलता है कौन से बॉन्ड्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, राइट. अब रीजन्स कौन से होते हैं आया स्पेक्ट्रम में, पहला होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन. एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं 4000 से 1250 सेंटीमीटर वर्स तक, वो एसोसिएटेड होते हैं विद द चेंजेस इन वाइब्रेशनल स्टेट्स. जितनी ज़्यादा वाइब्रेशनल स्टेट चेंज होती हैं, उस हिसाब से ये फंक्शनल ग्रुप रीजन बनता है. एंड ये रीजन में हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पता लगते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं. अब ये हमारा जो है 4000 से लेकर 1250 तक, यहाँ पर सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बैंड्स आ रहे हैं, राइट, एब्जॉर्प्शन बैंड्स आ रहे हैं. सो इससे हमें पता चल जाएगा कौन से एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं. सो दैट इज व्हाई वी विल नो अबाउट दी दिस एब्जॉर्प्शन रीजन, राइट. सो ये फंक्शनल ग्रुप रीजन हो गए. अब नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट रीजन. अब जब लेस देन 1250 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इट दिस रीजन इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन एंड रोटेशनल एनर्जी चेंजेस. यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी चेंजेस भी नोट हो जाते हैं, और ये रीजन हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, सेम है डिफरेंट है, तो इसलिए इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं. जैसे दो मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्टली सेम ग्राफ आए, राइट, तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है, और अगर थोड़े से भी चेंजेस हो, मतलब वो दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, सो इस वजह से हमें दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करने में आसानी होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन. ये सारा हमारा 1250 से कम वाला फिंगरप्रिंट रीजन. अब नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स. अब डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो होते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, उनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज होगी, और इंटेंसिटी जो होती है दैट इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डाइपोल मोमेंट. जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट चेंज हो, राइट, जितना पोलर इलेक्ट्रो बॉन्ड का, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है एब्जॉर्प्शन की. ये बात याद रखनी है आपने. एंड जैसे कार्बनल ग्रुप है CO, राइट, उसमें चार सेपरेशन है, तो उसकी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी दैन सी डबल बॉन्ड सी. सो इस वजह से स्ट्रेचिंग जो होती है एब्जॉर्प्शन बैंड्स की, उसकी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होगी दैन दी सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग, राइट. और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड दो चीज़ों से और बढ़ती है, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ी जाएँ, उससे इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन बैंड की बढ़ जाएगी, और जितने ज़्यादा एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स हों एक मॉलिक्यूल में, उससे भी इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है. सो दैट वॉज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड. अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी. सो ऑब्जर्व क्या किया गया, दैट एक प्रोबेबल फ्रिक्वेंसी जो होती है आई स्पेक्ट्रम की, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो सिमिलर होती है विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बट कभी भी इक्वल नहीं होती. हुक्स लॉ से जो भी हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं वो सिमिलर तो होगी, पर लेकिन इक्वल नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, बिकॉज जो है रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो उस पर इन्फ्लुएंस करेगा ऑन द बॉन्ड, एंड कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे. पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. अब जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं एक नेबरहुड में एक पर्टिकुलर ग्रुप के, और उनको चेंज किया जाए, तो वो चेंजेस करेंगे इन एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसीज. जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी को चेंज करवाएंगे, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. कैसे कैसे, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट. एंड इस इनकी इफेक्ट्स वजह से फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, और इस वजह से एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो होगी वो नॉर्मल वैल्यू से शिफ्ट कर जाएगी. अब पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट.
अब एक अल्काइल ग्रुप लगा है, समझ लो एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, राइट, तो उसका प्लस साइड इफेक्ट होता है। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। सो ये बॉन्ड लेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो फोर्स कॉन्स्टेंट भी कम हो जाएगा और वेव नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन बैंड का। जैसे यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड था, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी अवे नंबर है 1750 सेंटीमीटर वर्स। और अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड में CH3 ग्रुप, एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ गया, तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर और ये फोर्स कॉन्स्टेंट को कम कर देगा बिकॉज ये बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करवा देता है, राइट। तो वेव नंबर भी एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज हो जाएगा, राइट, और इसका वेव नंबर डिक्रीज हो गया बाय 5 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी वेव नंबर आ जाएगा 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़ जाए तो ये और भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट करेंगे, फोर्स कॉन्स्टेंट और भी कम हो जाएगा, तो वेव नंबर भी कम हो जाएगा। सो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स इसका वेव नंबर है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट हो, राइट, एक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, राइट, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसे डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा और फोर्स कॉन्स्टेंट को भी इंक्रीज कर देगा। इस वजह से वेव नंबर जो है एब्जॉर्प्शन का वो हाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया Cl, सो ये इसने वेव नंबर को इंक्रीज कर दिया दैन दिस, राइट। सो ये सिमिलर है। सो इस वजह से हमें पता चलता है कि ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना वेव नंबर कम होगा, और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना वेव नंबर ज़्यादा होगा। सो दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑन द एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी। कॉन्जुगेशन जो होती है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, राइट, तो कॉन्जुगेशन जो होती है इट विल लोअर द एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी या वेव नंबर को ये कम कर देगी ऑफ द एथिलेनिक बॉन्ड। अब कॉन्जुगेटेड डाइन्स में एथिलेनिक बॉन्ड जो है, या फिर जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एथिलेनिक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अगर उनकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी तो इस वजह से इनकी जो है वेव लेंथ एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो है कम हो जाएगी, राइट। क्यों होगी, बिकॉज कॉन्जुगेशन जो होता है वो बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देगा, राइट। जैसे हमारे पास डबल बॉन्ड करेक्टर था, उसको पार्शियल डबल बॉन्ड करा देगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी और इन टर्न फोर्स कॉन्स्टेंट भी कम हो जाएगा, सो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर एसीटोन था 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, अगर मैं मिथाइल ग्रुप के साथ एक इथिलेनिक बॉन्ड बना के एक और CH2 ग्रुप लगा दूँ, डबल बॉन्ड CH2, तो हमारे पास मिथाइल विनाइल कीटोन हो जाता है और इसमें ये कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेंस कवर करेगा, एंड इस वजह से ही इसका जो है फोर्स कॉन्स्टेंट कम हो जाएगा और वेव नंबर भी कम हो जाएगा। और अगर कार्बोनिल ग्रुप देखा जाए, हमारे पास एसिटोफिनोन है, राइट, तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो रहा है बेंजीन का और ये कॉन्जुगेशन हो रही है, इस वजह से इसका भी जो है हमारे पास वेव नंबर कम हो जाता है दैन द नॉर्मल वन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बेंजीन ग्रुप C6H5। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेजोनेंस इफेक्ट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले क्या हैं, इन कंपाउंड्स जिनमें बोथ रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करें इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रेजोनेंस इफेक्ट कई बार डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर कई बार इंडक्टिव इफेक्ट भी डोमिनेट कर सकता है ऑन द रेजोनेंस इफेक्ट। एग्जाम्पल, एसिटोफिनोन में कॉन्जुगेशन जो होती है वो एब्जॉर्प्शन को लोअर करने की कोशिश करेगी बाय द हेल्प ऑफ CO स्ट्रेचिंग, बट लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होता है C6H5 ग्रुप की वजह से वो इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो दोनों इफेक्ट्स अलग रहे हैं, बट लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा माइनस आई इफेक्ट को, ताकि एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाए। सो ये हमें पता चलता है फ्रॉम दिस बोथ दिस इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है फैक्टर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और इससे बॉन्ड जो होते हैं इनके अंदर के बॉन्ड वो डिक्रीज हो जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ, तो फोर्स कॉन्स्टेंट डिक्रीज हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन जो है वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जनरलाइजेशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, चार जनरलाइजेशन पढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा वेव नंबर कम होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी इन एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी। एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रॉडर बैंड देगी, बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शार्प और वेल डिफाइंड बैंड देगी।
right? Intensity of absorption bands in intermolecular hydrogen bonding is concentration dependent. जितनी ज़्यादा concentration एक molecule की होगी एक solution में, उतनी ज़्यादा intensity बढ़ेगी. और लेकिन intensity dilution के साथ, जैसे पानी डालेंगे तो intensity भी कम हो जाएगी due to decrease in concentration. और concentration का कोई effect नहीं होता on the intermolecular hydrogen bonding, because ये तो same molecule में होती है. And downward shift जो है वो intermolecular hydrogen bonding में more pronounced होती है than the intramolecular hydrogen bonding. So ये कुछ generalization सी. अब हम देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, जैसे अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं. अल्कोहल फिनोल दोनों में फ्री ओएच ग्रुप्स होते हैं और एब्जॉर्प्शन बैंड जो होता है 3650 से 3600 सेंटीमीटर तक आना चाहिए. पर लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है इन द ओएच ग्रुप, तो ये एब्जॉर्प्शन बैंड डिक्रीज होकर कम हो जाता है इन 3400 टू 3200 सेंटीमीटर. तो आपको ये समझ लग गया ये डिक्रीज हो रहा है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है डाइमर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. सो एक डाइमर है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का. अब लार्ज स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो इस वजह से सीओ और ओएच स्ट्रेचिंग की फ्रिक्वेंसी जो है कम हो जाएगी. एंड जैसे ओएच स्ट्रेचिंग थी पहले, ओएच स्ट्रेचिंग होती है वैसे 3650 टू 3600, पर लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में 3000 टू 2500 सेंटीमीटर इनवर्स, सो ये बहुत कम हो जाएगी. एंड अगर हम सीओ स्ट्रेचिंग देखें तो 1750 होती है पहले, पर लेकिन यहाँ पर 1700 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ डायमेरिक फॉर्म. सो हमें पता लग गया कि स्ट्रेचिंग जो है वो कम हो रही है इन द कार्बोक्सिलिक एसिड टू. अब अमाइंस का केस देखा जाए, उसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे फ्री अमाइन में होता है NH स्ट्रेचिंग 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड में होता है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स. सो ये इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, पर लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट हुआ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. एंड उसमें हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और हम कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड देखेंगे सारे ग्रुप्स के, राइट? सो आपको टिल देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल and hit the bell icon for the notifications, and thanks for watching. Thank you so much.